हेलो बच्चों, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहला पार्ट डिस्कस करेंगे कि हमारी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है, है ना। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन हुए थे, जो शुरुआत में क्लासिफिकेशन हुए थे, वो कैसे थे। तो यार, सबसे पहले ये बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, व्हाट वॉज द नीड फॉर पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, हुआ ये कि जब 1800 सेंचुरी चल रही थी, तब 31 एलिमेंट्स इंसान को पता थे, और 1865 तक 63 एलिमेंट्स पता चल गए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब तेजी से बढ़ रहे थे, तो एक एक एलिमेंट की अलग अलग स्टडी करना इम्पॉसिबल होने लग गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो एलिमेंट सिमिलर हैं उनको एक साथ रख देते हैं, है ना। जैसे क्लास में होते हैं तो अपन क्या करते हैं, क्लास में ग्रुपिंग कर देते हैं, उस तरह के बच्चे खराब हैं, उस तरह के बच्चे अच्छे हैं, वो पढ़ने वाले हैं, है ना, वो मस्ती वाले बच्चे हैं। तो हम ग्रुप बना देते हैं, एक एक की प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं करते, पूरे ग्रुप को एक प्रॉपर्टी दे देते हैं। जैसे आज की डेट में 114 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं, तो एक एक को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। और ये थी नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो रिकग्नाइज हुआ वो था डुबरिनियर का, जर्मन साइंटिस्ट डुबरिनियर, ठीक है, डुबरिनियर ट्रायड्स के नाम से ज्यादा फेमस हैं, क्योंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल या इनका जो लॉ था वो ट्रायड्स के बेसिस पे था। डुबरिनियर ने क्या किया, इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स का, 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। इन्होंने बोला इन तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, इन्होंने ट्रायड्स फॉर्म किए, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप फॉर्म किए, और इन्होंने बोला इन तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। और इनके पास इस चीज को कहने के लिए एक लॉ भी था। लॉ ये था कि मान लो उन्होंने तीन एलिमेंट्स को ग्रुप किया, सपोज यहाँ पे तीन एलिमेंट्स ग्रुप हैं, सपोज ए बी सी, तो इन्होंने कहा जो बी का एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ बी जो है वो इक्वल होगा एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइड बाय 2। मतलब बीच वाले का जो एटॉमिक वेट है, दैट इज द मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड सी। इन दोनों के एटॉमिक वेट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो बी का एटॉमिक वेट मिलेगा। ये इनके बताने का तरीका था। मतलब ये फर्स्ट पर्सन थे जो एलिमेंट्स को ग्रुप कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एटॉमिक वेट पे पहली बार किसी चीज ने, किसी इंसान ने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की। और इस ट्रायड के हिसाब से इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हमें उस टाइम के जो नोन एलिमेंट्स थे उसमें से। और इनके जो एग्जांपल्स हैं बच्चों, वो क्या क्या हैं, तो इनके एग्जांपल्स थे, एक तो इन्होंने बोला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, और सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ठीक है, ये उस टाइम के एक्सपेरिमेंट्स बता रहे थे। फिर इन्होंने देखा इनका लॉ वर्क कर रहा है कि नहीं, तो 7 + 39, है ना, कॉर्नर वाले का एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 2 एवरेज, तो ये कितना हो गया 46 डिवाइड बाई 2 विच इज 23, और 23 आ रहा था यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, कई बार एग्जैक्टली आया, कई बार क्लोज आया, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आ गया। दूसरा इन्होंने जो ट्रायड दिया बच्चों, एक तो ये ट्रायड हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक और ट्रायड जो इन्होंने दिया वो इन्होंने दिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, बेरियम का एटॉमिक वेट 137, और स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक वेट 88। तो आइए चेक करते हैं, 40 + 137 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी व्हाट, 1437, तो 177 डिवाइड बाई 2, 2 8 = 16, 17, 2 8 = 16, 88.5। तो कैलकुलेशन से इन दोनों का एवरेज 88.5, और एक्सपेरिमेंटली बीच वाले का एटॉमिक वेट 88, तो करीब करीब बराबर था, तो एक ग्रुप ये बन गया, इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज इसके बराबर। ऐसे ही एग्जांपल इन्होंने और दिए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127, तो इन दोनों का एवरेज निकाल के देखो, 127 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल बी व्हाट, 5 7 5 12 4 2 6, 162.5 डिवाइड बाय 2, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 81.25 आ रहा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है बीच वाले की, 80, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम था। तो इस तरह से डुबरिनियर ने ट्रायड बनाए,
और तीन तीन एलिमेंट को ग्रुप किया और बोला बीच वाले का एटॉमिक वेट कॉर्नर वालों के एटॉमिक वेट के मीन के बराबर है। कौन कौन से ट्राइड दिए आइए देखते हैं। ठीक है, देख लिए ट्राइड्स। अच्छा, अब डोबर्नियर का ट्राइड का सक्सेस और फेलियर क्या था? तो सक्सेस ये था बच्चों कि पहली बार किसी ने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। अब कुछ तो रिलेशन है, ऐसे ही नहीं बोल जाए कि प्रॉपर्टी सेम है तो रख दो, कुछ तो बता रहे हैं कि हाँ एटॉमिक वेट का एवरेज बीच वाले के बराबर। तो ये बड़ी सक्सेस थी इनकी मॉडल की। दूसरी जो सक्सेस थी जो इन्होंने डिस्कवर की थी वो थी प्रॉपर्टीज सेम होना। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी, मतलब एटॉमिक वेट के बेसिस पे जिनको ग्रुप किया था उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम आ रही थी। बच्चों इनका फेलियर क्यों हो गया? व्हाई हिज मॉडल वॉज नॉट बिलीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्यों ये डिसरिगार्ड कर दिए गए, क्यों इनकी डीमेरिट हुई है, इनका फेलियर क्या हुआ? मुझे फेलियर तो नहीं अच्छा लगता बोलना इतने बड़े साइंटिस्ट के बारे में, तो डीमेरिट ज़्यादा बेटर है, डीमेरिट। फेलियर क्या था उस टाइम? किसी को कुछ नहीं पता था, उन्होंने ये सोच लिया। तो डीमेरिट क्या थी इनके मॉडल की? या तो डीमेरिट सबसे पहली तो ये थी कि ऑल द नोन एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर पाए, ऑल द नोन एलिमेंट्स could not be fixed in triads, ठीक है? सभी known elements का ये triads नहीं बना पाए। कितने triads बनाए थे हमने आपको अभी दिखाया था, सबका triad नहीं बना पाए ये, ठीक है? दूसरी problem ये थी कि in the same group, law was not obeyed, same group में भी कई बार law obey नहीं हुआ। जैसे हमने आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एग्जांपल दिया था, 35.5, दिस इज 80, दिस इज 127, तो इन दोनों का एवरेज निकालने पे आया था 81.25। चलिए ये तो इसके क्लोज है। इसी ग्रुप में आपको पता है फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट 19, ठीक। अब अगर हम इन तीनों को देखना स्टार्ट करें इसी ग्रुप में, फ्लोरीन ब्रोमीन इन दोनों को हम देखना स्टार्ट करें और इनका एवरेज निकालें, 19 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 से कितना है 99 बाय 2 विच इज 2 4 8 19 2 8 2 4 8 19 2 9 18 10 49.5 यही आएगा 2 4 8 19 2 9 18 10। और यहाँ ये बोल रहे हैं 35.5, तो इन दोनों का एवरेज इसके बराबर नहीं। तो इन द सेम ग्रुप भी कई बार लॉ ओबे नहीं हो रहा था, इसकी वजह से इसका इनका मॉडल भी रिजेक्ट कर दिया गया। किनका? किनका? डोबर्नियर का। तो डोबर्नियर ट्राइड फेल हो गए या हट गए। और इसके काफ़ी टाइम बाद जो नेक्स्ट बड़ी सक्सेस थी वो मिली न्यूलैंड को, ठीक है? और न्यूलैंड किस नाम से फेमस है आपने भी पढ़ा होगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना? पढ़ा होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसीलिए फेमस है ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब आठ। तो ना न्यूलैंड जो थे हमारे, है ना, ये थोड़े मस्ती वाले आदमी थे न्यूलैंड अंकल, ठीक है? म्यूजिक व्यूजिक पसंद थी इनको, ठीक है? छैया छैया बढ़िया गाने वाने बहुत सुनते थे, और केमिस्ट्री भी पसंद थी इनको, केमिस्ट भी थे, ठीक है? तो दोनों चीज़ थे, म्यूजिक भी थी और केमिस्ट्री भी थी। अब आपको अगर दो चीज़ पसंद है तो क्या करोगे आप? दोनों का संगम, दोनों को मिला दोगे। तो इन्होंने एक म्यूजिक और केमिस्ट्री को मिलाया और इन्होंने लॉ दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होते हैं बच्चों? ऑक्टेव होती है ट्यून। तो म्यूजिक को आप इंडियन भाषा में देखो, इंग्लिश में देखो, ठीक है, चाइनीज में देखो, कहीं पे भी जो म्यूजिक है उसके साथ ही टोन है, सा रे गा मा पा धा नी। और जो आठवां टोन आप बनाओगे, जो आठवां टोन आप बनाते हो म्यूजिक का, वो फर्स्ट टोन का रिपीटेशन होता है। जो नौवां टोन बनाओगे, नाइन्थ टोन, वो सेकेंड टोन का रिपीटेशन। तो इन्होंने इसी बेसिस पे अपना पीरियोडिक टेबल रखा। मतलब क्या कहा आइए देखते हैं। म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री को मिलाया किसने? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। थोड़ा तेज रख रहे हैं लेक्चर को क्योंकि सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, पहले आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, ठीक है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इन्होंने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्होंने बोला सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है? ये 60 टोन थी और इन्होंने इन्हीं 60 टोन में उस टाइम के जो एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज करने की कोशिश की। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया न्यूलैंड ने, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, कैसे अरेंज किया इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एटम्स को अरेंज किया एलिमेंट्स को। मतलब सबसे पहला एलिमेंट जो रखेंगे उसका एटॉमिक वेट सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उसके ज्यादा, उसके, ठीक है?
तो इन्होंने इस तरह से करके एटॉमिक वेट के बेसिस पे उस टाइम के सारे एलिमेंट्स को रखा, तो उनको मिला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम। अब कई लोग कह रहे होंगे बुक में हाइड्रोजन है कि लिथियम है, तो मैं वो डेटा ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी का है, मेरी मजबूरी है। ऑल्दो यहाँ पे हाइड्रोजन था जो न्यूलैंड का टेबल, पर जो एनसीईआरटी बोलता है वो हमें आपको पढ़ाना है ना, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम दैट यू आर गिविंग एनी काइंड, भाई एनसीईआरटी ही प्रेफर होगी। ठीक है, तो लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं आया, नोबेल गैस अभी डिस्कवर नहीं हुई है, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद एर्गन आएगा, एर्गन डिस्कवर नहीं हुआ है, तो पोटेशियम और कैल्शियम, अभी नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हो रखी है। ठीक है, नोबेल गैस अभी नहीं मिली है। ठीक है, नोबेल गैस बाद में मिली, बहुत बाद में, अभी इसकी डिस्कवरी नहीं। अब इनका रूल क्या कहता है, लॉ क्या है, जैसे लिखा है लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो लॉ ये कहता है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टीज लाइक द फर्स्ट एलिमेंट। अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ध्यान से सुने, अगर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है, देन एवरी एट्थ एलिमेंट इज द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जैसे मैं यहां से चलूं, इसको फर्स्ट ले लूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके बाद गिनने पे ये 8 आ रहा, तो इन दोनों की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होंगी। आप यहां से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1 से गिनने पे ये 8, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर। कहीं से भी स्टार्ट करने में, जैसे यहां से स्टार्ट करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव, दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, देन एवरी एट्थ एलिमेंट इज द रिपीटिशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये इनकी डिस्कवरी थी। प्रॉब्लम क्या थी कि कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स को ये अरेंज इसमें नहीं कर पाए, सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। किसके लिए सक्सेसफुल हुए? लाइटर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, कैल्शियम तक लाइटर एलिमेंट्स के लिए इनका मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, और नोबेल गैस की अभी डिस्कवरी नहीं हो रखी है। एक जो नई बात न्यूलैंड करके गए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बच्चों, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, न्यूलैंड एक बहुत बड़ी नई बात करके गए, और जो कि थी पीरियोडिसिटी। क्या थी? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है बच्चों? पीरियोडिसिटी को जानना बहुत जरूरी है हमारे सिलेबस में। पीरियोडिसिटी इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। बट यही सिर्फ पीरियोडिसिटी नहीं है, और सुनो, पीरियोडिसिटी इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स। फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद, जैसे यहां से चले तो ये इंटरवल बीता, इसके बाद जो एलिमेंट आया, या तो उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम के सिमिलर होगी, या तो लिथियम से ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाएगी। भाई बहुत सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बहुत सी, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, बहुत सी प्रॉपर्टीज। तो या तो इन दोनों की वो प्रॉपर्टीज सेम होंगी, या तो यहां से यहां आने पे उन प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर इंक्रीज दिखेगा या रेगुलर डिक्रीज दिखेगा। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी समझ में आ रही है? या तो फिक्स, यहां से चले कचा कुचू कचा काकू, या तो फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, या तो ग्रेजुअल इंक्रीज होगा प्रॉपर्टी में, या तो ग्रेजुअल डिक्रीज। ग्रेजुअल मतलब एक फिक्स्ड डिक्रीज होगा। जैसे यहां से यहां एटॉमिक रेडियस मान लो बढ़ा दुगना, तो यहां से यहां भी दुगना, यहां से यहां कोई प्रॉपर्टी हाफ हुई तो यहां से यहां और हाफ हो जाएगी। तो या तो ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज, या तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे सिमिलर में बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की सबकी वैलेंसी कितनी है? +1। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? सिमिलर। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहां से यहां एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यहां से यहां भी एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, कुछ सेम रहेंगी, कुछ डिक्रीज करेंगी। तो ये था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल क्यों कर गया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों फेल कर गया? क्या बोला था न्यूलैंड ने, जल्दी से बोलो, दैट एवरी एट्थ एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि म्यूजिक में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये फेल क्यों कर गया? व्हाट वाज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? डीमेरिट। डीमेरिट, अबे अपनी क्या औकात है कि हम बोल दें न्यूलैंड का लॉ फेल कर गया,
फेलियर, हम बता रहे फेल हो गए हैं, बड़ी चीज़ थी यार। तो सक्सेस क्या थी पहले मेरी सुन लो, सक्सेस थी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को लगाने पे प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, पीरियोडिसिटी की डिस्कवरी हुई है और बोला है कि जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं वो एटॉमिक वेट की वजह से रिपीट हो रही हैं। बार बार सुनो, एटॉमिक वेट की बातें इन्होंने भी की है और इसके पहले डोगन ने भी की थी। इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे लगाने पे प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। अब फेलियर की बात करते हैं, तो सबसे पहला फेलियर बच्चों ये था कि नोबल गैस की डिस्कवरी। अब जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर हुए, तो भाई प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने क्या बोला था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। अब सोचो यहाँ पे नोबल गैस आ जाएगा, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, नियॉन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लो। तो यहाँ से चलने पे आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी इसके सिमिलर नहीं है, बल्कि किसकी सिमिलर है, नौवे की। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गन। अब यहाँ से चलने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो सोडियम की प्रॉपर्टी एर्गन के सिमिलर नहीं है, बल्कि नौवे एलिमेंट पोटेशियम के सिमिलर है। तो आप बोलो क्या दिक्कत है सर, हम लॉ ऑफ ऑक्टेव की जगह लॉ ऑफ नॉन अटेन कर सकते हैं कि नाइन्थ एलिमेंट रिपीट हो रहा है, कर सकते थे कि नाइन्थ एलिमेंट रिपीट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई, डिस्कवरी ऑफ मोर एलिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। अभी हैवियर एलिमेंट्स तो ही नहीं इसमें, डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। इनका जो मॉडल था वो किस पे फिक्स हो रहा था, इनका जो मॉडल था सिर्फ लाइट एलिमेंट्स के लिए था। अप टू कैल्शियम इनका मॉडल सक्सेसफुल था, उसके बाद सक्सेसफुल नहीं था। तो हैवियर एलिमेंट्स के आने पे फेल हो गया, नोबेल गैस की डिस्कवरी के बाद ये पूरा मॉडल इनका फेल कर गया। ठीक, पर फिर भी ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, तो न्यूलैंड को इस डिस्कवरी के लिए मिला डेवी मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन। ठीक है, इनको मिला रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन से डेवी मेडल, तालियां। अच्छा, अब न्यूलैंड के जाने के बाद रेस बढ़ चुकी है, एटॉमिक वेट पे दो लोग बातें कर चुके हैं, इतना समझ में आ गया है कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे कुछ तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। अब आए दो सबसे बड़े साइंटिस्ट, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस हुए, दिमित्री मेंडलीव। तो ये रसिया से थे, ठीक है, रसिया से थे दिमित्री मेंडलीव। और दिमित्री मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया, या इन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये काफी बड़ा हिट हुआ केमिस्ट्री में। दिमित्री मेंडलीव जिस टाइम डिस्कवरीज कर रहे थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सुना होगा, उसी टाइम एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट लोथर मेयर भी अपनी डिस्कवरी पे लगे हुए थे। ये जर्मन थे, ये रशिया से थे, जर्मनी से। लोथर मेयर और दिमित्री मेंडलीव की कोई दोस्ती यारी नहीं है, दोनों अपनी अपनी डिस्कवरी कर रहे हैं और दोनों की डिस्कवरी एग्जैक्टली सेम थी, पब्लिश पहले मेंडलीव कर ले गए, तो इसलिए मेंडलीव आपके लिए ज़्यादा फेमस हुए। लोथर मेयर की जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी वो एकदम सेम थी मेंडलीव जैसी। इन्होंने ग्राफ का यूज़ किया था, इन्होंने टेबल का यूज़ किया था, तो ये थोड़े ज़्यादा है। आइए तो पहले पढ़ लेते हैं कि लोथर मेयर ने कैसे ग्राफ बनाया। ठीक है, तो लोथर मेयर ने जो अपना अरेंजमेंट दिया था वो भी सक्सेसफुल था। उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का मैं ग्राफ बनाता हूँ। मतलब डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम मेजर किया, उनका एटॉमिक वेट, और एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, इधर रखा एटॉमिक वॉल्यूम और इस तरफ रख दिया एटॉमिक वेट, और उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक वेट और वॉल्यूम मेजर किया। जहाँ जहाँ एलिमेंट आ रहे थे, किसी एलिमेंट जैसे सोडियम मान लो मेजर किया, तो सोडियम यहाँ पर आया एटॉमिक वेट और वॉल्यूम का, जो उनकी वैल्यू थी यहाँ पे प्लॉट हुआ, इतना एटॉमिक वेट, इतना एटॉमिक वॉल्यूम। ऐसे पोटेशियम मिला, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग एलिमेंट्स मिले। ठीक है, यहाँ उनको फ्लोरीन मिला, क्लोरीन मिला, ब्रोमीन मिला, ऐसे ये रखते गए एलिमेंट्स को। यहाँ उनको कैल्शियम मिला, यहाँ इनको बेरियम मिला, यहाँ स्ट्रॉन्टियम मिला, बेरियम मिला। ठीक, और करते करते जब इन्होंने सबको ज्वाइन किया बच्चों, तो हमारा कुछ ग्राफ ऐसा रैंडम सा बना था। तो उसको अगर मैं ईजिली समझाऊँ तो ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट का दिख रहा था। ठीक है, जो ओरिजिनल इमेज है वो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ी डिफरेंट है। इस तरह का ग्राफ मिला, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा सोडियम, यहाँ हमारा पोटेशियम, यहाँ हमारा रुबीडियम, ऐसे करके अरेंज थे। इस जगह पे इन्होंने देखा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो देखा यहाँ पे आ रहा है बेरिलियम, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या आएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे देखा क्या आ रहा, तो देखा यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ देखा क्या आ रहा, तो देखा इंस्ट्रॉन्टियम, यहाँ देखा क्या आ रहा, तो देखा फ्लोरीन, यहाँ देखा क्या आ रहा, तो क्लोरीन, यहाँ देखा तो क्या आ रहा ब्रोमीन। तो बच्चों
क्या खास बात है समझ में आ रहा है? इस पीक के कर्व पे आपको दिख रहे हैं कौन से मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, यानी जो आप ग्रुप वन में एल्कली मेटल्स। नीचे की तरफ आते वक्त डिसेंडिंग स्लोप में आपको मिल रहे हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्टियम, ये सारे मिल रहे हैं, ये हमारे ग्रुप टू के हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। और जो हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपको असेंडिंग में मिल रहे हैं। तो जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स थे वो सेम पोजिशंस पे दिखे, है ना। जैसे सारी पीक्स देखो, जो जो एलिमेंट पीक पे होगा उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे मान लो यहाँ कोई एलिमेंट है एक्स, यहाँ कोई एलिमेंट आया वाई, और यहाँ कोई एलिमेंट आया जेड। तो जो जो एलिमेंट सेम तरह की पोजिशन पे हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। तो इन्होंने क्या कहा, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजिशन ऑफ कर्व, एट सिमिलर पोजिशंस ऑफ कर्व हैव सिमिलर, ठीक है, प्रॉपर्टीज। सिमिलर होगी या रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिंक्रीज होगा, ठीक है। पीरियोडिसिटी इन्होंने भी डिस्कवर की पर कर्व में। जैसे इन्होंने कहा जितनी भी पीक्स हैं सब पीक किसको मिलेगी, हमारी एल्कली मेटल्स को। जितनी डिसेंडिंग स्लोप हैं वो किसको मिलेगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ्स। जितनी भी असेंडिंग स्लोप्स हैं वो किसको मिलेगी, हैलोजेंस को मिलेगी। तो इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन तो किया बच्चों, पर यार ये क्लासिफिकेशन बहुत काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही मिसअरेंज्ड है यार। अगर यही चीज़ कोई हमें टेबल में बना के देता तो हमें ज़्यादा अच्छी लगती। टेबल में कोई बताता ग्रुप 17 में हैलोजन तो फील होता है, ग्रुप 1 में ये है तो समझ में आता है। अब कर्व में कैसे समझें? तो आप बोल दो कि सर असेंडिंग में ये, टॉप पे पीक पे ये, डिसेंडिंग में एल्कलाइन अर्थ। अच्छा, मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट हुआ और उसके जैसा एलिमेंट यहाँ पे, उसके जैसा एलिमेंट यहाँ पे, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, मान लो ये कोई अपना एक ग्रुप हुआ, है ना, ग्रुप ए बी सी, और इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम हुई, तो तुम इनको बोलोगे, सॉरी ग्रुप ए और यहाँ, ग्रुप ए और यहाँ डिसेंडिंग में बी, और इस वाले में डिसेंडिंग में सी, मान लो ये हो गया। तो ए बी सी ये भी कहाँ है, स्लोप की डिसेंडिंग में, स्लोप की डिसेंडिंग में, स्लोप की डिसेंडिंग में। अब मैं बोलूँ ए बी सी, जैसे मान लो कि हमारा ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टेरियम, पोलोनियम वाली फैमिली है। तब हम क्या बोलेंगे कि ये फैमिली किस पे फॉल कर रही है, किस पे फॉल कर रही है, गिरने वाली स्लोप पे। और ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, ये भी किस पे, गिरने वाली स्लोप पे, है ना। तो हम एग्जैक्टली कैसे बताएंगे, तुम बोल दोगे थोड़ा सा ऊपर वो है, यहाँ पे फिर कोई और फैमिली बनेगी, ऐसे समझ रहे हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, इस तरह से एक फैमिली यहाँ यहाँ यहाँ, ये एक फैमिली होगी। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बता पाना एग्जैक्ट पोजीशन, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब कैसे पकड़ेंगे कि कितनी ऊपर कितनी नीचे। इसलिए ये क्लासिफिकेशन सही तो है, और बहुत ही बड़ा ब्रेक था ये भी। उधर मेंडेलीव्स भी सेम काम कर रहा, पर मेंडेलीव ने टेबल पे काम किया, इन्होंने ग्राफ पे काम किया, तो इनके वर्क को भी काफ़ी रिकग्नाइज तो किया गया, पर पहला टेबल जो प्रपोज किया वो मेंडेलीव ने किया, ठीक है। आइए अब देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल सोचा, जो लॉ सोचा, वो मेंडेलीव ने बोला कि उनको रात में सोते सोते सपने में आया था, है ना। अपने को सपने में क्या आती है प्यारी सी लड़की इनको सपने में भी पीरियोडिक टेबल आ रहा था, ठीक है। और इन्होंने पूरे सपने में पीरियोडिक टेबल पूरा देख लिया और ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल बनाया। ऐसा कहा जाता है जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था वो ताश के पत्तों पे एलिमेंट्स का नाम लिखा, ताश के पत्तों पे एलिमेंट्स का नाम लिखा, और उनको अरेंज किया, उनको अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो यार सुनो, डोबरिनियर क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स को ग्रुप किया, बीच वाले का एटॉमिक मास दो के एवरेज के बराबर। न्यूलैंड ने क्या किया, आठ आठ एलिमेंट्स बोले कि हर आठवां एलिमेंट रिपीटिशन है पहले का, अगर किस में अरेंज करें, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और मेंडेलीव ने भी यही कहा, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मतलब इन्होंने न्यूलैंड की वो बात ले ली कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट को रखो, तो क्या कहा था न्यूलैंड ने कि आठवां एलिमेंट पहले की प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, ये इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने बोला नॉट ऑक्टेव, ये ऑक्टेव को नहीं सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने कहा आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, After certain fixed intervals, properties are
रिपीटेड, ठीक है, तो रिपीटेड तो इसके लिए एक बड़ा ही जनरल से टर्म हो गया। आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स पीरियोडिसिटी इज सीन, ठीक है, पीरियोडिसिटी मिली हमको। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि हर आठवां एलिमेंट, इन्होंने बोला हाँ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे लगाने पे कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज या तो सेम होती है या तो ग्रेजुअल इंक्रीज होती है या तो ग्रेजुअल डिक्रीज होती है। किस पे बात की इन्होंने पीरियोडिक लॉ में, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक। अच्छा, व्हाट वाज हिज पीरियोडिक लॉ, व्हाट वाज हिज पीरियोडिक लॉ, द फिजिक दे नहीं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स, बड़ा बड़ा लिखूंगा, एटॉमिक वेट, ठीक है ना, स्पेलिंग वगैरह सही है ना, वरना कमेंट में स्पेलिंग गलत। अच्छा, तो इन्होंने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन, आर द इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ठीक। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि कहीं ना कहीं जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब, फंक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी पे डिपेंड करे, फंक्शन का मतलब कोई चीज़ किसी पे डिपेंड करे। जैसे हम बोलते हैं y इज इक्वल्स टू fx, मतलब y x पे डिपेंड करता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पे डिपेंड। तो इन्होंने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट पे। यही है मेंडेलीज पीरियोडिक लॉ, सिंपल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लगाएं तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल या तो रिपीट या तो इंक्रीज या तो ग्रेजुअल डिक्रीज होगी, ठीक है। ये बातें की मेंडेलीव ने। अब जो मेंडेलीव का बच्चों ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था, जो मेंडेलीव का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसके लिए आप विकिपीडिया पर सर्च करिए। अच्छा, मैं इमेज भी दिखा देता हूँ, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अगर मुझे इमेज मिलती है, अभी मैं वीडियो बना के देखता हूँ, तो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था, तो विकिपीडिया पर सर्च करिएगा, वो रन करके लिखा हुआ था, मतलब वो रशियन भाषा में था, तो वो आपके समझ में आने वाला नहीं, मेरे समझ में भी आने वाला नहीं। तो क्या हुआ कि उस पीरियोडिक टेबल को बहुत से लोगों ने मॉडिफाई करना स्टार्ट किया, उसके डिफरेंट फॉर्म्स बने कि पूरे वर्ल्ड उसको पढ़ पाए, और फॉर्म बनते 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 हम जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडिटेड है, ठीक है। ओरिजिनल तो मैंने बताया ताश के पत्तों पे, जैसा कहा जाता है कि ताश के पत्तों में उन्होंने एलिमेंट्स का नाम लिखा, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रखा, फिर देखा वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम लाइन में दिख रहे थे ताश के पत्तों में, ठीक है, कार्ड्स में। तो इनका जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है, आइए उसको हम देखते हैं और बात करते हैं कि मेंडेलीव ने क्या क्या चीज़ें बताई। ये था मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, जरा ध्यान से देखिए इसको, कुछ नए तरीके का पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसा नहीं है, ध्यान से देख लें इसको। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ग्रुप हैं, और आप देख रहे हो ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी बने हैं। जैसे ग्रुप 1 में ए और बी, ये देखो ग्रुप ए और ये 1 का बी, 2 का ए, 2 का बी, इस तरह से सब में देख रहे हो। और 8 में देखो कोई सब ग्रुप नहीं है पर तीन तीन एलिमेंट रखे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा अरेंज किया है। 7th में 2 ग्रुप हैं, एक ए और एक बी, ऐसी 6th में है, और इसमें एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज किए जैसे तैसे, ठीक है। अब अलग अलग किताबों में ये टेबल भी अलग अलग बना है, जैसे एनसीईआरटी में इसमें एक ग्रुप 0 भी ऐड किया है जिसमें नोबल गैसेस को रखा है, ठीक है। बट नोबल गैसेस की डिस्कवरी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद हुई थी, तो जो एनसीईआरटी का बना हुआ है वो मेंडेलीव का नहीं, उसका एडिटेड फॉर्म है, मैंने आपको बताया ना बहुत एडिट हुए टेबल। अच्छा, तो मेंडेलीव ने बेसिकली 8 वर्टिकल कॉलम देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप्स बोला, तो इनके पास 8 ग्रुप थे। ग्रुप में आप देख रहे हो कि सब ग्रुप भी है, ग्रुप में क्या है, सब ग्रुप, कहाँ से कहाँ, ग्रुप 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक सब ग्रुप्स हैं ए और बी,
तो बच्चों ये क्या कहानी है सब ग्रुप्स की? बच्चों जो एलिमेंट सेम सब ग्रुप में है, जैसे 1B में है या 2A में जो है या 4B में जो ग्रुप है, जो सब ग्रुप्स में थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, प्रॉपर्टीज सेम है ना, एकदम ही सेम थी, आइडेंटिकल। और जो ग्रुप में थे उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी, ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, जो ग्रुप में थे उनकी प्रॉपर्टी भी सेम थी। पर ग्रुप में जो बड़ी चीज़ इन्होंने बात की थी वो थी वैलेंसी सेम होने की। एक्चुअल में बात क्या थी कि मेंडेलीव की जो ये एनालिसिस थी वो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी, तो वो प्रॉपर्टी वैलेंसी ही थी। मेंडेलीव ने सबकी ऑक्साइड बनाई थी और देख रहे थे कि सबकी ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। उन्होंने देखा जिनकी ऑक्साइड का फॉर्मूला ये बन रहा है MgO, CaO, मतलब कोई भी मेटल और O ऐसा बन रहा है, उसको उठा के उन्होंने ग्रुप 2A में रख दिया। उन्होंने देखा जिसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला, जिसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला ये बन रहा है Na2O है ना, K2O इस तरह का बन रहा है, यानी मेटल 2O, उसको उठा के उन्होंने ग्रुप 1A में रख दिया। तो बेसिकली उन्होंने यही चीज़ ही यूज़ की थी, ऑक्साइड, और ऑक्साइड से पता क्या चल रहा है, वैलेंसी। Na2O का मतलब Na की वैलेंसी प्लस 1। तो इस तरह से सेम वैलेंसी वालों को उन्होंने सेम ग्रुप में रखा और जिनकी प्रॉपर्टीज और ज़्यादा सेम थी उनको सेम सब ग्रुप में रखा। इसी तरह से बच्चों इन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको इन्होंने पीरियड बोला। और पीरियड की खास बात क्या थी कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे थे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे थे, तो प्रॉपर्टीज मेटल से नॉन मेटल हो रही थी, ये इन्होंने बताया उस समय। इन्होंने कहा जो पीरियड है उनका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट चलोगे तो प्रॉपर्टीज मेटल से किस तरफ जा रहे हो, आप नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हो। तो इनकी मॉडल इतना बड़ा हिट क्यों था, क्योंकि उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर थे और इनके टेबल में 63 एलिमेंट्स थे, मतलब ही क्लासिफाइड ऑल द नोन एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल का हिट पॉइंट क्या है ना, इनका सबसे बड़ा हिट क्या हुआ, तो इनका सबसे बड़ा हिट या इनकी आप मेरिट या इनका आप एडवांटेज अगर देखो, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। मेरिट सबसे पहला, ऑल 63 एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड, वर अरेंज्ड, ठीक है, और अरेंजमेंट का ऑर्डर किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, इन्होंने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसको किसके बेसिस पे अरेंज किया है, एटॉमिक वेट। तो ये तो इनसे पहले भी कई लोग किए थे, पर इन्होंने भी मतलब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो रखी कम से कम, ऐसे ही नहीं कि कोई एलिमेंट कहीं डाल दिया, कोई बस सेम प्रॉपर्टी वाले को सेम रख देंगे, एक लॉ भी है जिससे गवर्न हो रहा। लॉ क्या था इनका, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, जो बोल रहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका फंक्शन है, एटॉमिक वेट का। तीसरी जो इंपॉर्टेंट काम इन्होंने कर दिया, जो बड़ी चीज इन्होंने कर दी, वो थे गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, और मेरे ख्याल से इसीलिए इनका मॉडल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। इन्होंने कुछ कुछ जगह पे गैप छोड़े, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो इन्होंने एक गैप छोड़ा है, एल्युमिनियम के नीचे इन्होंने एक गैप छोड़ा था, सिलिकन के नीचे एक गैप। तो ये गैप कैसे छोड़ दिया भाई, इन्होंने देखा कि इसके बाद जो अगला एलिमेंट आ रहा उसका एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई एक एलिमेंट होगा जो फ्यूचर में साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे, तब मेरा टेबल गलत हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक गैप छोड़ दें, या सिलिकन के बाद यहाँ टिन तक आने में जो गैप था एटॉमिक वेट का बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया था। ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, दैट्स द बिगेस्ट हिट ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल। एक और बड़ी बात थी बच्चों, वो क्या थी, प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो गैप तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ में ये भी बता दिया कि जो ये जो एलिमेंट डिस्कवर होगा इसकी ये जो प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल और फिजिकल, वो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। मतलब आज ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, उन्होंने कहा कभी ये एक एलिमेंट डिस्कवर होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो मैं बता दूं। जैसे इन्होंने बोला था एल्युमिनियम के नीचे एक एलिमेंट डिस्कवर होगा और उसका इन्होंने नाम भी दिया था, ठीक है, एल्युमिनियम के नीचे जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका इन्होंने नाम दिया था इक्का एल्युमिनियम, ठीक है। और इसी तरह से इन्होंने सिलिकॉन के नीचे बोला कि एक एलिमेंट और डिस्कवर होगा जिसको हम बोलेंगे इक्का सिलिकॉन, इक्का मतलब एक बाद,
ठीक है। तो ये संस्कृत वर्ड था, तो संस्कृत वर्ड इसलिए आया क्योंकि इनके जो एक फ्रेंड थे, कलीग थे, वो संस्कृत के बहुत बड़े मास्टर थे, वो संस्कृत फील्ड में उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब को अगर आप मतलब विकिपीडिया पे आप देखो उस किताब के बारे में, तो यही लिखा है कि वो किताब मेंडली पीरियोडिक टेबल से मिलती जुलती थी, मतलब उसका भी क्लासिफिकेशन किताब का वैसी, तो दोनों का एक दूसरे काम पर इफेक्ट पड़ा। तो इन्होंने संस्कृत का यूज़ किया, इन्होंने बोला इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्युमिनियम। अब इक्का एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने प्रेडिक्ट की थी कि एल्युमिनियम की डेंसिटी कैसी होगी, एटॉमिक वेट कैसा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, वो सारी चीज़ मैच की आज की डेट में गैलियम से, और गैलियम की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही पोजीशन है। जैसे इक्का सिलिकॉन की इन्होंने जो प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट की, जितनी भी चीजें बताई इक्का सिलिकॉन के बारे में कि इसका भाई डेंसिटी इतना होगा, इसका भाई कंडक्टिविटी इतनी होगी, वो सारी चीज मैच की जर्मेनियम से, और जर्मेनियम की यही पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इक्का सिलिकॉन। तो इक्का सिलिकॉन बाद में जर्मेनियम बना, इक्का एल्युमिनियम गैलियम। तो शायद ये सबसे बड़ा हिट पॉइंट था इनके पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद आता है कि इनका पीरियोडिक टेबल भी क्यों लास्ट में फेल हो गया, या फेल तो नहीं बोलेंगे इनके पीरियोडिक टेबल को, हम बोलेंगे इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट। तो स्टिल हम कहेंगे इसको डीमेरिट्स, कि क्या क्या चीज़ें गलत हो गई इनके पीरियोडिक टेबल में। तो डीमेरिट्स क्या क्या निकली, सबसे पहली डीमेरिट जो निकली बच्चों, सबसे फर्स्ट डीमेरिट निकली वो निकली ग्रुपिंग ऑफ डिससिमिलर एलिमेंट्स। जो एलिमेंट सेम नहीं थे उनको भी इन्होंने ग्रुप कर दिया, है ना। एग्जाम्पल के लिए कॉपर की कोई भी प्रॉपर्टी पोटेशियम जैसी नहीं है, सिल्वर की कोई भी प्रॉपर्टी इस ग्रुप जैसी नहीं है, जैसे इन्होंने सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, चलो इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम थी, इनको ग्रुप कर दिया कॉपर है ना सिल्वर इनके साथ, जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। दूसरी बात थी बच्चों सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को इन्होंने दूर रख दिया, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। अब सिमिलर एलिमेंट्स जो दूर हो गए वो कौन थे, जिसका एग्जांपल दिया जाता है वो हमको दिया जाता है प्लैटिनम, और यहाँ पे था गोल्ड, तो प्लैटिनम और गोल्ड को इन्होंने अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, प्लैटिनम एंड गोल्ड, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। तीसरी जो बच्चों इनकी गलती रह गई वो थी आइसोटोप्स की डिस्कवरी, आइसोटोप्स या पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन का आपको पता है एक होता है मास 1, एक हाइड्रोजन का मास 2 भी होता है, एक हाइड्रोजन का मास 3 भी होता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तीनों एलिमेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन ही हैं, पर तीनों का मास अलग अलग है। अब इनका पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे। इनके अकॉर्डिंग से जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइड्रोजन का फर्स्ट मास, यहाँ पे हाइड्रोजन सेकंड मास वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन थर्ड मास वाला, क्योंकि ये एटॉमिक वेट क्या हो रहा है ज़्यादा, तो इनके हिसाब से आइसोटोप्स शुड हैव डिफरेंट पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल। पर इन्होंने ऐसा किया नहीं, मतलब अपने ही रूल को फॉलो भी नहीं किया, है ना। इनका रूल कह रहा है कि जो एटॉमिक वेट ज़्यादा है वो अलग अलग रखे जाएंगे, पर इन्होंने आइसोटोप्स को सेम पोजीशन दे रखी है, जबकि इनके रूल के हिसाब से अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अपना 16, ऑक्सीजन में 18, ठीक है, दोनों आइसोटोप होते हैं, पर इन्होंने ऑक्सीजन को एक ही पोजीशन दी, तो आइसोटोप्स की पोजीशन एक बड़ा प्रॉब्लम था। फोर्थ इनका डिमेरिट था वो था एनोमलस पेयर, मतलब इन्होंने अपने ही रूल को फॉलो करना छोड़ दिया और कई जगह ऐसे एलिमेंट्स रखे जो इनके लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। इन्होंने कहा था हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, पर यहाँ पे इन्होंने कोबाल्ट और निकल रखा, और कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज़्यादा था एज कंपेयर टू निकल का एटॉमिक वेट, तो कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए, पर इन्होंने किया क्या, इन्होंने निकल को बाद में रख दिया, क्यों, ताकि प्रॉपर्टीज मैच रहे। मतलब अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ो तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि मेंडेलीव ने कई जगह पे एलिमेंट्स को स्विच किया, जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन का एटॉमिक मास ज़्यादा था, उसको आगे रखना चाहिए था, पर उन्होंने टेल्यूरियम को उठा के पीछे रखा, आयोडीन को आगे, आयोडीन को हैलोजन वाले ग्रुप में डाला, यहाँ मैंने लिखा नहीं थे, वो सब एलिमेंट्स छूट गए थे। तो इन्होंने कई जगह स्विच कर दिया एटॉमिक वेट में ताकि सिमिलर एलिमेंट्स साथ में रहे। तो इनका जो बेसिक फंडा बाद में धीमे धीमे बन गया था वो ये था कि सिमिलर एलिमेंट्स को साथ रखना, और ये अपने ही लॉ को धीमे धीमे मिस करने लगे। और फिफ्थ और एक फेलियर लास्ट में, तो वो तो यार कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वो तो मतलब ऐसा फेलियर है जो आज तक सही नहीं हो पाया, फिफ्थ डीमेरिट, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यार एक डिबेट का टॉपिक रहा है हमेशा से, क्यों रहा है भाई साहब, क्योंकि यार कोई कहता है हाइड्रोजन मेटल है, कोई बोलता है नॉन मेटल। देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1, तो उसको ग्रुप 1 में रखा, ठीक वैलेंसी 1 है, ग्रुप 1 में रखा। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वाह भाई वाह, तो 1 में रखा, ठीक है। पर यार हाइड्रोजन होता क्या है, नॉन मेटल, तो उसको जाना चाहिए था ग्रुप 7 में, पर रहा किस में, ग्रुप 1 में। तो हाइड्रोजन यार मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है वैसे, तो उसको ग्रुप 1 में क्यों रखा, उसको ग्रुप 7 में होना चाहिए, ये तो आज तक फाइट चल रहा है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी बवाल है और तब भी एक
बवाल था। तो ये डीमेरिट से मेंडेलीव के सबसे बड़ा आइसोटोप्स की गलती, एनोमलस पेयर बनाना। पहले एनोमलस पेयर बनाना हमारे हिसाब से गलती, उनके हिसाब से तो सही था, वो इंप्रूव कर रहे थे, पर लॉ नहीं रहा, अब लॉ खत्म होता जा रहा। सिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया और डिससिमिलर एलिमेंट्स को टुगेदर रख दिया। यार मेंडेलीव ने ना वैलेंसी को लेकर एक बड़ी बढ़िया बातें बताई। तो वैलेंसी के लिए इनका इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है वैलेंसी। जैसे उन्होंने बोला ग्रुप वन में सबकी वैलेंसी वन होगी, ग्रुप टू में टू होगी, ग्रुप थ्री के सबकी वैलेंसी थ्री, ग्रुप फोर की वैलेंसी फोर, और फाइव की थ्री हो जाएगी, एट माइनस फाइव। सिक्स की इन्होंने बोला टू हो जाएगी, सेवन की बोला वन हो जाएगी, और एट की वैलेंसी के बारे में इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने बोला डिफरेंट वैलेंसीज हो सकती हैं। इस तरह से मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल भी धीमे धीमे नीचे गया। और फिर स्कॉट आए और स्कॉट ने डिस्कवर की नोबल गैसेस। नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद इनका पीरियोडिक टेबल चेंज करना पड़ा और स्कॉट को अपनी डिस्कवरी के लिए नोबल प्राइज मिला नोबल गैसेस डिस्कवर करने में, और मेंडेलीव को नहीं मिला। पर मेंडेलीव को उससे बड़ी एक अचीवमेंट मिली। मेंडेलीव के नाम से बहुत ढेर सारे रशिया में इंस्टीट्यूट खोले गए जिसमें बच्चे आज एटॉमिक रिसर्च करते हैं। मेंडेलीव के नाम से एक एलिमेंट पड़ गया, जैसे कॉपर एक एलिमेंट है, है ना, जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, वैसे मेंडेलीव नाम से 101 एलिमेंट नंबर 101 अननिल यूनियम। अभी हम इसकी नेमिंग पढ़ेंगे कैसे करते हैं 101 की 102 की अगले वीडियो में। अननिल यूनियम ये इनके नाम से पड़ गया मेंडेलीवियम। तो आज दुनिया एक एलिमेंट को इनके नाम से जानती है। तो जब तक ह्यूमन काइंड चलेगी एलिमेंट 101 जो इंसान ने बनाया कहीं भी यूज होगा उसको हम बोलेंगे मेंडेलीवियम। फिर इसके बाद एक रेंज ऑफ साइंटिस्ट आई क्वांटम फिजिक्स से, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे, नील बोर वगैरह आए, हेनरी मोसले आएंगे अब, एचजी मोसले। ये एचजी मोसले का कंट्रीब्यूशन एक्सरेज से था, उन्होंने कुछ और डिस्कवर किया, उन्होंने बोला एटॉमिक वेट प्रॉपर्टी होती नहीं एटॉमिक नंबर, और तब प्रपोज हुआ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसके हैं बहुत सारे फॉर्म, और जो है अपना नेक्स्ट वीडियो। चलिए बाय बाय। आइए तो पहले पढ़ लेते हैं कि लॉथर मेयर ने कैसे ग्राफ बनाया। ठीक है, तो लॉथर मेयर ने जो अपना अरेंजमेंट दिया था वो भी सक्सेसफुल था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का मैं ग्राफ बनाता हूं। मतलब डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम मेजर किया, उनका एटॉमिक वेट, और एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, इधर रखा एटॉमिक वॉल्यूम और इस तरफ रख दिया एटॉमिक वेट, और उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक वेट और वॉल्यूम मेजर किया। जहां जहां एलिमेंट आ रहे थे, किसी एलिमेंट जैसे सोडियम मान लो मेजर किया तो सोडियम यहां पे आया, एटॉमिक वेट और वॉल्यूम का जो उनकी वैल्यू थी यहां पे प्लॉट हुआ, इतना एटॉमिक वेट इतना एटॉमिक वॉल्यूम। ऐसे पोटेशियम मिला, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग एलिमेंट्स मिले। ठीक है, यहां उनको फ्लोरीन मिला, क्लोरीन मिला, ब्रोमीन मिला, ऐसे ये रखते गए एलिमेंट्स को। यहां उनको कैल्शियम मिला, यहां इनको बेरियम मिला, यहां स्ट्रॉन्टियम मिला, बेरियम मिला। ठीक, और करते करते जब इन्होंने सबको ज्वाइन किया बच्चों, तो हमारा कुछ ग्राफ ऐसा रैंडम सा बना था। तो उसको अगर मैं ईजिली समझाऊं तो ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट का दिख रहा था। ठीक है, जो ओरिजिनल इमेज है वो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ी डिफरेंट है। इस तरह का ग्राफ मिला, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा सोडियम, यहाँ हमारा पोटेशियम, यहाँ हमारा रुबीडियम, ऐसे करके अरेंज थे। इस जगह पे इन्होंने देखा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो देखा यहाँ पे आ रहा है बेरिलियम, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या आएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे देखा क्या आ रहा, तो देखा यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ देखा क्या आ रहा, तो देखा इंस्ट्रॉन्टियम, यहाँ देखा क्या आ रहा, तो देखा फ्लोरीन, यहाँ देखा क्या आ रहा, तो क्लोरीन, यहाँ देखा तो क्या आ रहा, ब्रोमीन। तो बच्चों क्या खास बात है समझ में आ रहा है, इस पीक के कर्व पे आपको दिख रहे हैं कौन से मेटल हैं, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, यानी जो आप ग्रुप वन में एल्कली मेटल्स। नीचे की तरफ आते वक्त डिसेंडिंग स्लोप में आपको मिल रहे हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्टियम, ये सारे मिल रहे हैं, ये हमारे ग्रुप टू के हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। और जो हैलोजेंस हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये आपको असेंडिंग में मिल रहे हैं। तो जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स थे वो सेम पोजीशंस पे दिखे, है ना। जैसे सारी पीक्स देखो, जो जो एलिमेंट पीक पे होगा उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे मान लो यहाँ कोई एलिमेंट है एक्स, यहाँ कोई एलिमेंट आया वाई, और यहाँ कोई एलिमेंट आया जेड। तो जो जो एलिमेंट सेम तरह की पोजिशन पे हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। तो इन्होंने क्या कहा, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजिशन ऑफ कर्व, एट सिमिलर पोजिशंस ऑफ कर्व हैव सिमिलर, ठीक है, प्रॉपर्टीज, सिमिलर होगी या
रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिक्रीज होगा, ठीक है। पीरियोडिसिटी इन्होंने भी डिस्कवर की पर कर्व में, जैसे इन्होंने कहा जितनी भी पीक्स हैं सब पीक किसको मिलेगी हमारी एल्कली मेटल्स को, जितनी डिसेंडिंग स्लोप हैं वो किसको मिलेगी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम, क्या कहते हैं एल्कलाइन अर्थ्स। जितनी भी असेंडिंग स्लोप्स हैं वो किसको मिलेगी हैलोजन्स को मिलेगी। तो इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन तो किया बच्चों, पर यार ये क्लासिफिकेशन बहुत काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत ही मिसअरेंज्ड है यार। अगर यही चीज़ को हमें टेबल में बना के देता तो हमें ज़्यादा अच्छी लगती। टेबल में कोई बताता ग्रुप 17 में हैलोजन तो फील होता है, ग्रुप 1 में ये है तो समझ में आता है। अब कर्व में कैसे समझें, तो आप बोल दो कि सर असेंडिंग में ये, टॉप पे पीक पे ये, डिसेंडिंग में एल्कलाइन अर्थ। अच्छा मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट हुआ और उसके जैसा एलिमेंट यहाँ पे, उसके जैसा एलिमेंट यहाँ पे, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं मान लो ये कोई अपना एक ग्रुप हुआ है ना, ग्रुप ए बी सी, और इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम हुई, तो तुम इनको बोलोगे सॉरी ग्रुप ए और यहाँ, ग्रुप ए और यहाँ डिसेंडिंग में बी और इस वाले में डिसेंडिंग में सी, मान लो ये हो गया। तो ए बी सी ये भी कहाँ है, स्लोप की डिसेंडिंग में, स्लोप की डिसेंडिंग में, स्लोप की डिसेंडिंग में। अब मैं बोलूँ ए बी सी, जैसे मान लो कि हमारा ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलियम टेरियम पोलोनियम वाली फैमिली है, तब हम क्या बोलेंगे कि ये फैमिली किस पे फॉल कर रही है, किस पे फॉल कर रही है, गिरने वाली स्लोप पे, और ये मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम ये भी किस पे है, गिरने वाली स्लोप पे, है ना। तो हम एग्जैक्टली कैसे बताएंगे, तुम बोल दोगे थोड़ा सा ऊपर वो है यहाँ पे, फिर कोई और फैमिली बनेगी ऐसे, समझ रहे हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, इस तरह से एक फैमिली यहाँ यहाँ यहाँ, ये एक फैमिली होगी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बता पाना एग्जैक्ट पोजीशन, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब कैसे पकड़ेंगे कि कितनी ऊपर कितनी नीचे। इसलिए ये क्लासिफिकेशन सही तो है और बहुत ही बड़ा ब्रेक था ये भी, उधर मेंडेलीव्स भी सेम काम कर रहा, पर मेंडेलीव ने टेबल पे काम किया, इन्होंने ग्राफ पे काम किया, तो इनके वर्क को भी काफ़ी रिकग्नाइज तो किया गया, पर पहला टेबल जो प्रपोज किया वो मेंडेलीव ने किया, ठीक है। आइए अब देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल।